तो टॉप 100 एक्सेल टिप एंड ट्रिक्स में हम दूसरे सीरीज पे हैं और हम बात कर रहे हैं अभी एक स्टिक थ्रू के बारे में। बेसिकली मान लीजिए कि आपने कहीं से कुछ चीज को कॉपी किया। मान लीजिए मैंने इसी को किसी डेटा को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, और मर्ज करने के बाद इसको रैप भी कर देता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि कुछ चीजें गलत है, जैसे मान लीजिए कि इस पे न्यू एक्सेल वर्कशीट मान लीजिए गलत है, तो इसको शो करने के लिए कैसे करेंगे? तो मैं कंट्रोल और फाइव प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल एंड फाइव, या फिर इस पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और या रहा स्टिक थ्रो, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका कर जाएगा। तो इससे साफ पता चलेगा कि हाँ ये गलत सही था, इसको गलत किया गया, मैं गलत था, इसको गलत के लिए शो किया गया। उसके बाद लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि इसको नंबर वगैरह पे करेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इस नंबर्स में ये गलत है, तो मैं कंट्रोल फाइव कर दिया तो ये कट आ गया, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कट हुआ है। लेकिन इसको अगर हम अपने तरीके से करें, मैंने इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गया और यहाँ बॉर्डर पे हमने यहाँ से कलर रेड ले लिया और यहाँ से इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया एंड ओके कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा बड़ा हो गया, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। इस साफ पता चल रहा है कि गलत है। F4 आप करते हैं तो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, जो भी आपका लास्ट एक्शन है उसको रिपीट करता है F4, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं पांचवें नंबर कोर्स में, ये आता है हमारा। अब हम बात करते हैं बारकोड के बारे में। हम बोलेंगे सर बारकोड, जी हाँ बारकोड, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे इसपे शॉपिंग मॉल में या बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड रहता है, वो बारकोड कैसे आएगा? तो इस बारकोड के लिए हमें पहले बारकोड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जी हाँ। तो वो उसमें आपको मदद करेगा गूगल, मैं गूगल खोलता हूँ और यहाँ पे मैं आईडी, सॉरी नहीं, बारकोड फॉन्ट होता है, बारकोड फॉन्ट होता है, माफ कीजिएगा। ये बारकोड फॉन्ट होता है, इस बारकोड फॉन्ट को आपको डाउनलोड करना है। मैं सेव करता हूं, इसको इंस्टॉल कर देता हूं। अब इसके लिए मुझे अपने एक्सेल को, एक मिनट, ये यहाँ पे आ गया, मैं देखता हूँ। नहीं आया, मुझे तो एक्सेल को री ओपन करना पड़ेगा।
और फिर मैं एक्सेल को लॉन्च करता हूँ, क्योंकि ये फॉन्ट तभी अपडेट होगा जब आप एक्सेल लॉन्च कर लेंगे। मैम अब यहाँ पे बारबर फॉन्ट आ गया ना। अब इसमें अपना नंबर हम देते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, वो छोटा दिख रहा है। अब इसकी साइज को मैं बढ़ाता हूं तो आपको दिखेगा इसका पूरा, दिस इज द बारकोड फॉन्ट। और एक बारकोड फॉन्ट है जो कि प्रिंट होने के बाद जो बारकोड स्कैनर है उसको स्कैन कर देगा, या फिर अगर मैं एक काम करता हूँ हमारे लुमिया मोबाइल फोन पे भी एक स्कैनर होता है उससे एक बार स्कैन करके देखता हूँ। ले लिया सर, टू बज गया ना सर। तो इस बार बार स्कैनर इसको स्कैन कर रहा है, मतलब कि हाँ ये सही। तो ये आपका बारकोड फॉन्ट की बात हम कर रहे हैं। अब आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 17वें नंबर जो टॉपिक ट्रिक्स है हमारा और ट्रिक्स है आपका मंथ में, जी हाँ मंथ में, या फिर डेट नेम में किसी भी इस डेट को, और मान लीजिए यहाँ पे डेट हम रख देते हैं, अब मुझे इस डेट में इसका मंथ सिर्फ चाहिए या मुझे इसका सिर्फ डे चाहिए तो कैसे पता करेंगे। तो हमारे पास एक टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है टेक्स्ट। अब मुझे मंथ चाहिए तो मैं यहाँ पे वन द मंथ इन द नंबर चाहिए, जैसे अब 8 9 तो दो बार एक या दो बार एमएम कर देंगे तो यहाँ पे मंथ देखिए नंबर में आ जाएगा। देखिए मंथ मुझे टेक्स्ट में चाहिए जैसे कि जैन फैब शॉर्ट में, तो 3 बार एम को करें तो ये आपका 3 बार आ जाएगा। और आपको मंथ को फुल मंथ नेम चाहिए तो 4 बार कर दीजिए तो आपका फुल मंथ नेम आ जाएगा, ये आपका मंथ के लिए होता है। फिर दूसरा हमारे पास आती है आता है इसके लिए डेट के लिए डे के लिए, तो सेम अगर डे इन द नंबर चाहिए तो एक या दो बार डी को लिखे यहाँ पे लग गया इस पे बैक। लेकिन मुझे चाहिए डे इन द शॉर्ट फॉर्म, 3 बार डी कर दीजिए शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर मुझे मंथ का पूरा नेम चाहिए तो 3 से ज्यादा 4-5 बार दे दीजिए ये आपका आ जाएगा डी। तो M for month और D for day, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं हाईलाइट ब्लैंक सेल। अब यहाँ हाईलाइट ब्लैंक सेल आपको क्यों बता रहा हूं कि हाईलाइट ब्लैंक सेल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो यहां पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा को एंड कॉपी, और यहां पे हम इसको पेस्ट करते हैं। इस पे कई सारी जगहों पे मैं 0 रख देता हूं और कई सारी जगहों पे ब्लैंक कर देता हूं। अब मुझे इसमें से ब्लैंक को हाईलाइट करना है, तो अगर आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल की तो इसमें आपने क्या करोगे इक्वल टू आप कर दोगे 0। तो इसमें देखिए ब्लैंक हाईलाइट हुआ तो आपका 0 भी हाईलाइट हो गया, तो ब्लैंक के साथ साथ आपका 0 भी इसमें हाईलाइट हो रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कस्टम फॉर्मेटिंग से आप चल रहे हो तो आपको न्यू रूल्स में
या फॉर्मेट में यहां पे ब्लैंक लेना पड़ेगा और फिर इसकी फॉर्मेट कर दीजिए, वो फॉर्मेट आपका हाईलाइट होगा। बट इसमें एक दिक्कत क्या होगी कि आपने इसको यहां से अप्लाई कर दिया तो ये ओके ओके कीजिए, आपका ब्लैंक हाईलाइट होगा। लेकिन जो दिक्कत क्या होगा कि अगर मैंने इस पे जीरो लिख दिया तो, या कुछ लिख दिया तो चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि हमने हमें पता होना चाहिए कि यहाँ इससे पहले यहाँ पे ब्लैंक था, हमने यहाँ पे नंबर टाइप किया है। तो मैं चाहता हूँ नॉर्मल ये करना, फिल करना कलर इस तरह से वन बाय वन। तो इसमें दिक्कत क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे टू लिखा, देखिए हटा नहीं, तो ये तो दो है, चलो हमने क्लिक कर दिया, लेकिन हमारे डेटा में हो सकता है कि चार या पांच या दस ऐसे हो सकते हैं। तो उस केस में आप यहाँ फाइनल सेलेक्ट पे जाएं और आपका गो टू स्पेशल है, इसको हम कंट्रोल जी से भी ला सकते हैं। और इसमें आप देखिए ब्लैंक, हमने ब्लैंक को क्लिक किया तो मैंने डेटा में जितने भी ब्लैंक थे तो सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि एक नीचे का डेटा भी सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि इससे इससे पर एक यूज सेल को लेके चलता है। तो ऐसा दिक्कत हो तो आप एकदम नई शीट पे चले जाए, उस पे पेस्ट करें। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल जी स्पेशल, अब मैं यहाँ पे ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो ये आपका ब्लैंक आपका कलर सिलेक्ट हो गया। सिर्फ ब्लैंक ही सिलेक्ट हुआ, हमने इस पे कलर कर, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं 19वें नंबर क्वेश्चंस की। उन्नीसवें नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। बात करें फॉर्म कवर विद कस्टम फॉर्मेटिंग। 19वां क्वेश्चन हमारा करता है कि हमें फॉन्ट कलर करना है लेकिन विद कस्टम फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, नॉर्मल फॉन्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए सेल्स है, मैं चाहता हूं कि मेरा पॉजिटिव नंबर जो भी लिखूं पॉजिटिव में वो ग्रीन हो जाए, नेगेटिव करूं तो रेड हो जाए, पॉजिटिव करूं तो ग्रीन हो जाए, नेगेटिव करूं तो हमारा रेड हो जाए। तो उसके लिए आप इस पे फॉर्मेट से नंबर फॉर्मेटिंग में मैं क्लिक किया, कस्टम पे गया, यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट में, आप यहाँ पे देखिए बड़ी ब्रैकेट में हमने दिया ग्रीन ग्रीन और इसको क्लोज कर दिया। और फिर इसमें हम हैश कॉमा हैश हैश दे दीजिए 3 बार, फिर सेमी कॉलन, फिर मैंने ये तो हमारा किसके लिए, पॉजिटिव के लिए हुआ। दूसरा स्थान होता है नेगेटिव का, तो मैंने यहाँ पे इसको रेड दे दिया। और फिर इस पे भी हम माइनस कॉमा दे दिया, फिर सेमी कॉलम किया हमने, इसको कॉमा नहीं करना है, सेमी कॉलम करना है, 0 और फिर एक बार सेमी कॉलम कर दिया टेक्स्ट के लिए। ग्रीन आपका हैश डाल दीजिए, रेड हैश डाल दीजिए, उसका 0 में हैश डालने की जरूरत नहीं है, 0 मतलब 0 के लिए हुआ, एंड ओके कर दीजिए। अब मैं यहां पे अगर कोई टेक्स्ट लिखा तो देखिए ग्रीन हो गया, अगर मैं इसको नेगेटिव में रखूंगा तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा 9वां नंबर 19वां नंबर था। हम 20वें नंबर की बात कर रहे हैं, थीम, हम बात कर रहे हैं थीम को चेंज करने की। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा, हाँ 5वें नंबर में डेटा था, हम इस डेटा को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट करते हैं, हम यहां से मान लीजिए कि कोई एक इलस्ट्रेशन भी यहां से उठा लेते हैं। तो डिफॉल्ट कलर आपको ये दिख रहा है इसका, क्योंकि हमारा जो पेज लेआउट है इसमें थीम ही है। यहाँ पे अगर मैंने थीम चेंज किया, अगर मान लीजिए कि मैं, देखिए जो एबीसीडी आपको दिख रहा होगा ये भी है, तो मैंने मान लीजिए इसको ले लिया, देखिए कलर चेंज हो गया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। तो जो डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग है, डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग है, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग को चेंज करता है। जैसे मैंने इसको ले लिया, तो
ये जो इसकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग चाहे इसकी फॉर्मेटिंग हो चाहे आपके टेबल, जैसे मैं इंसर्ट कर दिया यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल, इसकी फॉर्मेटिंग होगी। तो ये फॉर्मेटिंग जो है या ये डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग है वो थीम्स से आपका होता है कि जो थीम जैसा आप थीम्स रखेंगे उस थीम्स में आपका चेंज हो जाएगा। देखिए टेबल भी चेंज हो गया। ये थीम होता है। और आप मोबाइल फोन प्रोग्राम में भी थीम का यूज करते होंगे ना, तो ये थीम वही थीम यहाँ भी है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन था हमारा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमने 20 क्वेश्चंस पे हमने तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर का हमने सेशन किया, तो इसको आते हैं। और फिर नेक्स्ट वीकेंड में मैं इससे आगे जो है 20 नंबर से, मैं 21 से स्टार्ट करूंगा और इसमें हम आगे की चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों की क्वेश्चन सेशन, आप लोगों के पास अगर अभी से जो क्वेश्चन है उसमें जो प्रॉब्लम हुई है उसको पूछ सकते हैं। वन बाय वन आते हैं रमेश महतो जी से। रमेश महतो जी कोई डाउट? रमेश महतो जी कोई डाउट? ओके सौरभ सिंह जी कोई डाउट आपको? नहीं सर, जो लास्ट के मैंने देखे हैं अभी मतलब 4-5 ही देखे थे तो उसमें से मेरे को डाउट नहीं दिखा कोई भी ऐसे। ठीक है, बाकी की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाएगी, देख लीजिए जी। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। विकास चौहान जी कोई डाउट इसमें? नहीं सर। और विशाल शर्मा जी? हम बात करेंगे। बाकी जो 80 बच गए हैं, 20 किए हैं, ऐसे 80 क्वेश्चन है। हमें 100 क्वेश्चन दिख रखे हैं, 100 में से हमने 20 को किया है, अभी 80 क्वेश्चन है। तो प्लीज बने रहिएगा। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करे तो इसकी सीरीज यूट्यूब पे जाएगी, उसको आप जरूर देखिएगा। ओके बाय, सी यू टुमारो।